अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी केम्यू 2017 का पास पेपर। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक एमसीक्यू डिस्कस किए थे विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 33 से डिस्कस करने वाले हैं 70 तक। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, द ओवरचिंग गोल्स फॉर द हेल्थी पीपल 2010 आर। जैसे कि आप लोग जानते हैं हेल्थी पीपल 2010 एक स्लोगन था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। इसमें क्या कहता कि प्रमोशन ऑफ द हेल्थ पर काम किया जाएगा और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज पर काम किया जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, इसमें ऑप्शन ए आता है, क्योंकि यही स्लोगन था कि इंक्रीज द क्वालिटी एंड ईयर्स ऑफ द हेल्थी लाइफ, जिंदगी की क्वालिटी को इंक्रीज करना, अच्छा बनाना और आगे ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना एंड एलिमिनेट द हेल्थ डिस्पार्टीज और जो भी डिजीज और जो भी एबनॉर्मेलिटी हो उनको क्या करना, कम करना। तो ये 2010 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज्यूम द डिफरेंट रूल्स वाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि एक नर्स मुख्तलिफ रूल्स को क्या करते हैं, एज्यूम करता है, अप्लाई करता है विद क्लाइंट्स, डिस्कस करता है। एजुकेटर असेसिंग द क्लाइंट्स, एज एजुकेटर यानी कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक आप एजुकेशन पर मतलब एज एजुकेटर भी काम करते हैं, आप टीचिंग भी करते हैं क्लाइंट के साथ, यानी कि उनको समझाना होता है और टीच करना होता है चीज़ों के बारे में। द क्लाइंट एंड द फैमिली विद न्यूट्रिशनल नीड्स डिनर शुड। तो जब आप क्लाइंट के साथ और फैमिली के साथ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको उनसे क्या करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है, आस्क द क्लाइंट एंड फैमिली। क्लाइंट और फैमिली से पूछना चाहिए व्हाट दे थिंक दे शुड ईट, कि वो क्या सोचते हैं खाने के बारे में, ताकि आपको पता चल सके और उसके मुताबिक आप उसके साथ डिस्कस करें और आप उनको एजुकेट करें। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, इन कम्युनिटी हेल्थ द नर्स वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन हु आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। Which of the following clients from a vulnerable population currently appear to be at the greatest risk? जब आप एज नर्स कम्युनिटी में काम करते हैं तो कौन से लोग सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होंगे, वो क्या करते होंगे इस तरह की चीज़ें जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी आता है, वो लोग जो सब्सटेंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एज अ ड्रग, जैसे कि कोकेन, चर्स या मैरिजुआना, फिर अपरेनिला, वो चीज़ें होती है जिससे ड्रग्स गलत तरीके से बनाए जाते हैं। तो वो लोग जो ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं बुरी तरीके से, तो हमारे पास वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, अ क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज विद एड हॉस्पिटलाइजेशन और द पास्ट 21 ईयर पीरियड। एक क्लाइंट है, उसको GIT का प्रॉब्लम है और वो 8 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका है अपनी 21 साल की उम्र में। ही ईट्स वेल बैलेंस्ड डाइट दैट कीप हिज GI सिम्पटम्स सप्रेस, और वो क्या करता है, वेल बैलेंस्ड डाइट लेता है ताकि GIT डिजीज के जो सिम्टम है उसको सप्रेस किया जाए। विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कॉरस्पॉन्ड टू हिज डाइटरी मैनेजमेंट। तो उसके डाइटरी मैनेजमेंट जो बैलेंस है उसको कौन से लेवल की प्रिवेंशन करनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन ए आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। एज ए नर्स आपको चाहिए कि आप प्राइमरी जो चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए और जो हेल्थी फूड उनको खाना चाहिए आप उनको एजुकेट कराए और प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में एजुकेट कर दें। हमारे पास ऑप्शन ए आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट क्रिटिकली एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थी पीपल 2010 बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू हेल्थ केयर डायरेक्टरी इन द कम्युनिटी। वन ऑफ द ओवरऑल गोल्स ऑफ द प्लान इज टू, जैसे कि आप लोग जानते हैं हेल्थी पीपल 2010 ये एक स्लोगन था US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थी लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ इंक्रीज द हेल्थी लाइफ, तो ये इनका गोल था। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी को बढ़ाना, यानी कि वो चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर जाए, डिक्रीज द हेल्थी केयर कॉस्ट, हेल्थी केयर कॉस्ट को डिक्रीज करना, यानी कि आसानी से मैसर हो वो चीज़ें जो हेल्थ को प्रमोट कर सके, ताकि हर गरीब और अमीर आदमी ने, ऑप्शन सी प्रमोट द मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम है उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, इम्प्रूव करें। तो जी हाँ, हमारे पास ये सारे गोल्स थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ द PHC प्राइमरी हेल्थ केयर एग्जिस्ट।
हमारे पास कितने प्रिंसिपल होते हैं पीएचसी का प्राइमरी हेल्थ केयर के, हमारे पास 5 है। आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास 5 है पी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, डिश प्रोवाइड सेकेंडरी लेवल ऑफ रेफरल केयर टू द पेशेंट इंक्लूड दोज रेफर बाय द आरएचसी आरएचयू एलएचडब्ल्यू एंड अदर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। प्राइमरी केयर फैसिलिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं वो हॉस्पिटल जो विलेज या रूरल हॉस्पिटल होते हैं जो सतह पर होते हैं विलेज सतह पर, तो प्राइमरी उनसे जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या उनसे ट्रीट नहीं करा जाता तो फिर सेकेंडरी लेवल पर वो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। तो कौन से आते हैं उसमें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल DHQ, आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्ड इन अल्मा आता ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अल्मा आता ये आपको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 6-12 सितंबर 1978, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, दोबारा रिपीट हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज वर्किंग इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, दैट इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करते हैं, कम्युनिटी में काम करता है। और एक इस चीज़ का एग्जांपल है प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या होता है, हॉस्पिटल आते हैं, ट्रस्ट में मजीद पर एडवांस होते जाते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सतह पर। हमारे पास फिर अल्मा आता डिक्लेरेशन आया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्मा आता डिक्लेरेशन फोकस ऑन किस चीज़ पर फोकस करता है, हेल्थ फॉर ऑल। ये एक स्लोगन है आपको याद रखना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, डेश कम्युनिटी स्पोरैडिकली पॉपुलेटेड एंड आउटसाइड और फार फ्रॉम द सिटी और टाउन, जो सिटी और टाउन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और गांव में होते हैं, गांव के एरियाज में, तो हमारे पास वो रूरल कम्युनिटीज़ है। और अर्बन कम्युनिटी जो सिटी में होते हैं, हमारे पास रूरल कम्युनिटी यहाँ पर आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू द प्रैक्टिस। जब आप BSN से ग्रेजुएट यानी कि आपका BSN हो जाएगा तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपको क्या देगा, एक लाइसेंस देगा, जैसे जिसमें आप ये लिखा होगा कि आप रजिस्टर है, तो एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है आपको PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग टू प्रमोट द पॉजिटिव हेल्थ एक्शन एंड टू फैसिलिटेट द बिहेवियरल चेंज इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ। जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स में क्या होता है, नर्स इज अ एजुकेटर काम करता है एज अ टीचर, तो आपको आप क्या करते हैं, आप दूसरों को टीचिंग देते हैं हेल्थ प्रोमोशन के बारे में और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में, तो ये आप एजुकेटर काम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, डेश इज सर्विंग एज द डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल मैटर एंड पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल सतह पर जो पब्लिक जो हेल्थ के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, अथॉरिटी जो होती है उसके पास वो कौन सा इदारा है, WHO, इंटरनेशनल सतह पर, आपको याद रखना चाहिए, 1948 में बना था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू एडवांस हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग द नर्सेस। तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन बी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द ऑफ नर्स, ICN भी कहा जाता है, ICN। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हाई एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, एथिक्स। आप आगे जब सेमेस्टर में आएंगे तो आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि नर्सिंग के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाक होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं या पब्लिश होते हैं ICN से, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1, एरिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2015 में मेरे ख्याल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पॉवर्टी गरीबी और हंगर वो स्टेज को कहा जाएगी जब पॉपुलेशन में एक आबादी में बिलो द $1 पर डे हो, यानी कि एक दिन में $1 से कम कमाई हो एक पॉपुलेशन की, तो हमारे पास ये पॉवर्टी में आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है,
proportion of the births attended by the skilled health personnel is the indicator to monitor the progress of the Millennium Development Goal. Millennium Development Goal इसके कुछ गोल आठ गोल है और यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि बर्थ के बारे में कि बर्थ की जो गोल मेन गोल है वो किस गोल कौन से गोल में आए थे. गोल नंबर फाइव में इम्प्रूव द मेंटरनल हेल्थ बर्थ के साथ रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है गोल के बारे में. तो यहाँ पर इम्प्रूव द मेंटरनल हेल्थ, मेंटरनल हेल्थ बर्थ से पहले माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन की शक्ल में या मेडिकेयर की. हमारे पास ऑप्शन सी आता है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशियली फोकस ऑन स्टार्ट वर्क ऑन द फोर वर्टिकल प्रोग्राम्स ग्रोथ मॉनिटरिंग ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन. तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन आता है. तो आपको याद रखना चाहिए फॉर वर्टिकल प्रोग्राम ग्रोथ मॉनिटरिंग में आता है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है इज द एनवायरमेंटल रिलेट्स टू ईच कंपोनेंट पार्ट टिश्यू ऑर्गन एंड द हार्मोनल फंक्शन विद इन द बॉडी सिस्टम. जैसे कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि इंटरनल टिश्यू ऑर्गन के बारे में बात की जा रही है विद इन द बॉडी सिस्टम. तो हमारे पास इंटरनल एनवायरमेंट आता है. ये तो आप मेरे ख्याल में आपको याद रखना चाहिए, ईजी है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है एबायोटिक एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ. एबायोटिक एनवायरमेंट वो होता है जो बाहर एनवायरमेंट होता है बॉडी से बाहर. तो हमारे पास लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर. तो हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एनिमल्स के लिए चाहे वो ह्यूमन हो या अदर एनिमल्स हो. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है डैश इज द वाटर विच इज फिजिकली केमिकली एंड बैक्टेरियोलॉजिकल सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग कुकिंग फूड प्रिपरेशन एंड वॉशिंग विदाउट एनी पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ. वो वाटर जो कुकिंग और ड्रिंकिंग और फूड के लिए मतलब ईजी इस्तेमाल किए जाते हैं और सेहतयाब होते हैं तो वो कौन सा पानी. होलसम वाटर. होलसम वाटर आपको याद रखना चाहिए कि ये ड्रिंकेबल वाटर है और इसमें हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं वाटर और फूड के लिए भी. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर. हमारे पास मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर कौन है. रेन वाटर, क्योंकि ये नेचुरली भी होते हैं, नेचुरल वाटर है और सबसे ज़्यादा होते हैं. तो मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन वाटर होते हैं और रेन वाटर ही से रिवर बनते हैं और दूसरी स्ट्रीम बनते हैं. तो हमारे पास रेन वाटर यहाँ पर आता है. यहाँ पर रिवर्स क्रिएट किया गया है लेकिन यहाँ पर रेन वाटर आता है. हमारे पास आपको कौन सा लग रहा है आप कमेंट कीजिए. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सेल्फ प्योरिफिकेशन अकर बाय नेचुरल फोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन सच इज डाइल्यूशन सेडिमेंटेशन एरिटेशन ऑक्सीडेशन सनलाइट. हमारे पास कुदरती तौर पर सेल्फ प्योरिफिकेशन कौन सी वाटर की होती है. ऑप्शन ए रेन वाटर. एक खास हद तक रेन वाटर साफ सुथरे प्योरीफाइड और सेडिमेंटेशन उसकी होती है सनलाइट की मौजूदगी में. लेकिन जब एक खास लेयर से नीचे आते हैं तो वहाँ पर इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है और ये पीने के काबिल नहीं होता. तो हमारे पास रेन वाटर बाय नेचुरल प्योर हो सकते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है इन रूरल कम्युनिटी पीपल वर सफरिंग फ्रॉम द वाटर बॉर्न डिजीज ड्यू टू विच द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट वर इंक्रीज डे बाय डे. टू फाइंड आउट द काज ऑफ द डिजीज कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिटेड द कम्युनिटी एंड शी ऑब्जर्व दैट द कम्युनिटी पीपल आर यूजिंग डैश वाटर विदाउट बॉइलिंग इट. गाँव के एरियाज में रूरल कम्युनिटी पीपल यानी कि वो लोग जो गाँव में रहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज से बहुत ज़्यादा सफर होते हैं क्योंकि उनके वाटर गंदा होता है. जब आप एज ए नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट करते हैं उनकी कम्युनिटी में तो आपको क्या पता चल जाता है कि वो कौन सा पानी इस्तेमाल करता है पीने के लिए बगैर बॉइलिंग की हुई, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं. तो कौन सा ऑप्शन आता है. ऑप्शन सी सरफेस वाटर, क्योंकि विलेज एरियाज में रूरल एरियाज में लोग सरफेस वाटर इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही गंदा होता है जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट होते हैं और ह्यूमन में. क्वेश्चन नंबर 58 है डैश इन द वाटर कंज्यूम ऑल ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर लीडिंग टू सफोकेशन फॉर द वाटर ऑर्गेनिज्म. सफोकेशन किसे कहा जाता है. सफोकेशन ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कहा जाता है.
वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, जिसे ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, किसकी वजह से, कौन से प्रोसेस की वजह से, यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन ए आता है। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रेट्स वगैरह, तो वाटर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर एनिमल भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कौन सा सोर्स है, विच इज लोकेटेड स्पेसिफिक प्लेसेस, जो स्पेसिफिक प्लेसेस पर मुश्तमिल होता है। इजी टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड रेगुलेट, आसानी तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और रेगुलेट किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन सी आता है, नाम से जाहिर होता है, पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। वो वाटर पोल्यूशन जो एक ख़ास पॉइंट पर होता है, एक जगह पर, जो इजी तरीके से आप उसको डील भी कर सकते हैं और और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन सी आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश मटेरियल्स आर पॉइजनस टू मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उसके लिए कौन से सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कैन मेक देम इनफर्टाइल, जो उनको इनफर्टाइल बनाती है, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इवेंचुअली काज डेथ, और जिसकी वजह से आखिरकार मर भी जाते हैं। तो किसकी वजह से, हमारे पास ऑप्शन बी आता है, केमिकल वाटर पोल्यूशन। और जब वाटर में कोई केमिकल होते हैं तो उसकी वजह से वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको डेथ भी काज हो जाती है और इनफर्टाइल भी हो जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इरीगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड काज द हाई नाइट्रेट कंटेंट इन द डैश। जब वो एग्रीकल्चर फील्ड जिसकी जब उनमें कोई सरा वगैरह होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है उसमें, तो उसकी वजह से नाइट्रेट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा किस पानी में आते हैं, ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में जो अंडर सॉइल होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, तो जब एग्रीकल्चर में कोई फर्टाइल जरखेजी के लिए सरा वगैरह डालते हैं तो वो पानी में अंदर जाता है ग्राउंड वाटर में, तो उसके वजह से वो हाई नाइट्रेट्स वाटर बन जाती है, जो बहुत ही नुकसानदेह होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए और हमारे लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑस्ट्रेच द कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज विच फोकस ऑन द मिनराइजेशन, सैनिटेशन, मलेरिया कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। फर्स्ट लेवल, हमारे पास फैमिली प्लानिंग और चाइल्ड हेल्थ ये फर्स्ट लेवल पर किए जाते हैं कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में, तो जिसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन भी होती है फर्स्ट लेवल पर, आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है, बॉइलिंग वाटर फॉर डैश मिनट किल ऑल ऑर्गेनिज्म, रिमूव हार्डनेस वाटर एंड सॉफ्ट वाटर इज प्रोड्यूस। हमारे पास पानी को कितनी देर तक बॉयल करनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म भी किल होते हैं उसमें और पानी ड्रिंकेबल बन जाता है, हम पी सकते हैं उस पानी को। ऑप्शन ए आता है, 5 to 20 मिनट्स हम जब बॉयल करते हैं तो पानी साफ हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है, डिश आर गुड फॉर डिस्पेंशन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। माइक्रोऑर्गेनिज्म के को किल करने के लिए और वाटर को पीने के लिए बनाने के लिए, तो हम एक स्मॉल में क्या डालते हैं, क्लोरीन टेबलेट्स, ये टंकियों वगैरह में भी डाल दिए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पानी को साफ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट रखने के लिए। हमारे पास क्लोरीन टेबलेट्स आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, डैश लेटरिन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ द लेटरिन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड रिपीडली एंड वेयर पिट आर डिफिकल्ट टू डिग आइदर बिकॉज ऑफ द ग्राउंड कंडीशन और द लैक ऑफ द लेबर फोर्स। जहां पर ज़्यादा लेटरिन की ज़रूरत होती है एक कम्युनिटी में, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा लेटरिन बनाने होते हैं, तो वो है कौन सी लेटरिन बनानी चाहिए, वाटर सील टाइप ऑफ लेटरिन, इस तरह की लेटरिन जो बहुत ही कम वक्त में लोगों को ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, यानी कि ज़्यादा लेटरिन बनाए जा सकते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन ए आता है, डैश इज द फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द रिमूविंग द फूड वाटर विच इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन सा फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस है जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है ताकि फूड जो है ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहे। हमारे पास ऑप्शन ए आता है, ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है फूड से ताकि वो फूड को प्रिजर्व किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एक्सटर्निंग बॉइलिंग हीटिंग टेम्परेचर विच मच हायर देन द बॉइलिंग और थ्रू दिस यूज ऑफ द सर्टन केमिकल। वो कौन सा प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, हत्ता कि बॉइलिंग से भी ज़्यादा, और शायद कुछ केमिकल भी यूज़ की जाए, तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है,
स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बोर्न वायरल डिजीज। हमारे पास कौन सा फूड बोर्न डिजीज है, यानी कि खुराक की वजह से हमारी बॉडी में एंटर होती है और वायरल डिजीज भी हो, हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन सी आता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए डिजीज जो है ये तरह का डिजीज है जो वायरल है और फूड बोर्न डिजीज भी है। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन सिम्पटम ऑफ द फूड बोर्न डिजीज। हमारे पास फूड बोर्न डिजीज के साइन एंड सिम्टम कौन से होते हैं, ऑप्शन बी आता है नाउजिया, यानी कि जिसमें हम फेटिक फील करते हैं, अच्छा फील नहीं कर फील करते, एंजाइटी फील करते हैं, नाउजिया, वोमिटिंग, वैसे भी आप जानते हैं डायरिया, जी आई टी डिजीज है। तो ये हमारे पास तीन टर्म आप लोगों को याद रखने चाहिए फूड बोर्न डिजीज के हवाले से। तो ये था हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पेपर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द दूसरी पास पेपर केमयू की दूसरी पास पेपर को भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफ़िज़।